पाकिस्तान जिस तरह T20 वर्ल्ड कप से परफॉर्मेंस देना शुरू हुई आप सब लोगों के सामने, और आप सब खुश भी हैं, आवाम भी खुश है, और अभी जो कल टेस्ट जीता है, 3 दिन बारिश होने के बावजूद पाकिस्तान ने बड़ी फाइटिंग एंड था, जो आखिरी विकेट भी रह गई थी, तो बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं। मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है, कैप्टन को, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह वो खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जिस तरह चल रहे हैं तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आगे पाकिस्तान हो अच्छा। यूसुफ भाई, आप यूसुफ भाई टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, अनफॉर्चुनेटली बड़ी कोशिश की पाकिस्तान टीम ने, आप क्या समझते हैं कि जो नेक्स्ट होगा उसके लिए हमारे पास टैलेंट मौजूद है कि हम वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा ये कहता हूँ कि मैं 14 या 16 टीमें वर्ल्ड कप खेलती हैं, एक टीम ने जीतना होता है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खेला है, अगर इस तरह खेल के अगर ना भी जीते तो कोई मसला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, सारी आवाम खुश थी इस बार, है कि नहीं, क्योंकि परफॉर्म किया है, फाइट किया है, सब ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये पूरी टीम को, मैनेजमेंट को क्रेडिट, इस फील्ड में भी हैं, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, अगर हम सब वहाँ ईमानदारी से काम करेंगे तो पाकिस्तान का हमेशा फ़ायदा होगा। अब मैंने या आपने, ये नैब का काम सिर्फ नहीं, हम सब का काम है कि हम सब उन कामों से बचें जिससे अल्लाह ने मना किया है, और कलमे का इखलास ये है कि हम हराम कामों से बच जाएं। हराम में सिर्फ करप्शन नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उनको भी हमने देखना है कि हम किस तरह अपने माशरे को, अपने मुल्क को, सबको इससे पाक करें, और जो नैब काम कर रही है बहुत ज़बरदस्त काम है, जो भी लोग जिन्होंने अगर कुछ किया हुआ है उनको ये पकड़ रहे हैं, वाकई तो इससे अच्छी और कौन सी बात है कि पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म होगी, पाकिस्तान ग्रो करेगा, पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होगा। जितने भी करप्शन के काम होते हैं या जितने भी ऐसे काम हैं जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं, ये हम सब मुसलमान खड़े हैं, हम सबको इतना तो पता है ना कि अल्लाह हराम कामों से नाराज़ होते हैं, तो हमें उन सब कामों से बचना है। अच्छा यूसुफ भाई, एक सवाल आपसे, तो ये बताइएगा कि जो PTI की गवर्नमेंट आई और उन्होंने नारा जो है एहतसाब का लगाया था, ये तो सियासी क्वेश्चन है, मेरे से नहीं हो सकता। स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स में ये बताएं कि कौन करप्शन करता है। मैंने कहा अगर मैं भी कर रहा हूँ तो गलत है, एक तो मेरे सामने कोई चीज़ हुई नहीं किसी की भी, मैं कैसे किसी पे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, एक तो ये भी गलत है कि मैंने देखी नहीं कि करप्शन होते हुए, तो मैं इल्ज़ाम, मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे भी उसकी सजा मिले। आज आप नैब को दावत दें कि जो PCB या दीगर आपके स्पोर्ट्स के अदारे हैं वहाँ भी जो बादल नासर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू, मेरे कहने में थोड़ी करना है, इनका तो काम है, इनका तो काम है, पाकिस्तान टीम ने बड़े मुसलसल से काफी अर्से के बाद मैच जीते हैं, इस पे क्या देख रहे हैं कि ये तसलसल बरकरार रहेगा और इंटरनेशनल मैचेस मिलने चाहिए पाकिस्तान को इसी तरह? नहीं, देखें, ये पाकिस्तान जिस तरह T20 वर्ल्ड कप से परफॉर्मेंस देना शुरू हुई आप सब लोगों के सामने, और आप सब खुश भी हैं, आवाम भी खुश है, और अभी जो कल टेस्ट जीता है, 3 दिन बारिश होने के बावजूद पाकिस्तान ने बड़ी फाइटिंग एंड था, जो आखिरी विकेट भी रह गई थी, तो बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं। मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है, कैप्टन को, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है।